मैं जानता हूं दोस्तों कि हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें कुछ नए दोस्त भी जरूर आए होंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारा बिजनेस ही आगे ग्रो करने का है। हमारा बिजनेस ही इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने का है। लोगों से मतलब यही हम अपील करते हैं कि अपने घर से जो आप काफी देर से मतलब जबरदस्त तरीके से, जैसे आप अपने पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे थे, अपनी सेहत भी साथ साथ बर्बाद कर रहे थे अंग्रेजी दवाइयां खा खा कर, तो हम सभी ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि यार हम सभी के घर से बीमारियां भी भगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में हम जो है जो आज बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है हमारे हिंदुस्तान का, तो वो भी हम दूर करने में सक्षम हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात होती है कि एक रैनेटस वेलनेस और उसका एक प्रोडक्ट जिसके दम पे आज लाखों लोग जो है उनका घर का जो सिस्टम है बढ़िया तरीके से चल रहा है। मतलब आज मैं बताना चाहूँ कि जैसे कंपनी अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं इंडिया में आए हुए, तो आप सभी जानते हैं कि 150 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे मतलब करोड़पति जो कंपनी जो है बना चुकी है। तो दोस्तों कैसे बना चुकी है, आप सोच सकिए थोड़ी देर के लिए, सोचने की कोशिश करिए कि एक प्रोडक्ट, हमने आज तक बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, यहाँ पे 10 10 20 20 50 50 प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो 20 20 साल यहाँ पे काम करते भी उनको हो गया है, लेकिन उनका सक्सेस रेट इतना लो क्यों है? क्या डिफरेंस है? सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारा एक प्रोडक्ट 600 बीमारी पे भारी है। यही एक कारण है लोग आज दुखी हैं। हर घर में, किसी भी घर में आप पूछ के देख लीजिए, हर एक घर में कोई ना कोई शख्स बीमार तो जरूर होता है। और हम जैसे जो अपने आप को तंदुरुस्त मान लेते हैं, जाने अनजाने हम जो भूल रहे होते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बीमार की हैसियत में ही है, स्वस्थ नहीं है। क्योंकि ये पता चलता है जब हम एरानाटस नहीं यूज कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो हम महसूस किया करते थे कि जब सुबह उठते थे तो उठने के बाद हमें ऐसा लगता था कि यार 1 घंटा और सो लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरा शरीर जो है वो मतलब इजाजत नहीं दे रहा कि यार अभी उठ जाए, क्योंकि शक्ति विहीन हो चुका होता है हमारा शरीर। वो क्यों हो चुका होता है कि हमारा जो सिस्टम है खान पान का सिस्टम जो शुरू से चलता आ रहा है, तो हम उसी को जैसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो वहां पे ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती जी है। आज हमारे पास इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ऐसा बिजनेस किसी को नहीं मिल सकेगा जैसा रेनाटस वेलनेस ने आज हमारे लिए तैयार कर दिया है। और उससे भी ज्यादा मतलब जो हमारी सपोर्ट करता है उस सिस्टम की भी मैं इसके साथ साथ बात करना चाहूंगा कि हमारा फ्यूचर मिलेनियर ग्रुप जिन्होंने सर ये डिजाइन किया है ना, ये भी मतलब कम नहीं है, ये भी रेनाटस वेलनेस के साथ पूरा तालमेल खाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समय समय पे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, समय समय में मीटिंग में अपडेटेशन जो है वो करने की हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी सामग्री जो है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होती है, हमें जरूरत होती है जिस सामग्री की, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर करके तो हम सक्सेस हो रहे हैं और होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे। तो वो सारी सामग्री हमारे गुरुजी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हम सभी के लिए प्रोवाइड करवा रखी है। इक्वल सभी के लिए ट्रेनिंग है, इक्वल सभी के लिए प्लान है और सभी के लिए इक्वल सोच है हमारे गुरु जी की, जो आप सभी भली भांति जानते होंगे। दोस्तों बात कर रहा था कि प्रोडक्ट पे तो मैंने बता ही दिया कि हमारा इतना, उसके साथ साथ प्रोडक्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, आज के समय में जैसे मैं 3 महीने से इस पूरा सीरियस होकर इस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा, किसी किसी दोस्त को कोई दिक्कत आती होगी, कभी ना कभी जरूर आती होगी, क्योंकि हमें भी वो दिक्कतें आई हैं। वो दिक्कत क्या है कि हम किसी को जब प्लान देते हैं या किसी को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जहाँ सलाह देने के बाद वो इंसान प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है अपनी लाइफ में, तो वहां से थोड़ी बहुत दिक्कतें हर एक इंसान को आएंगी। तो दोस्तों जब तक दिक्कतें नहीं आएंगी तो मुझे बताइए इस तक।
बिना मतलब बिना दिक्कत के अगर आप आगे बढ़ गए तो वो सक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज तक कोई ऐसा भी सृष्टि पे ऐसा भी नियम नहीं बना है कि बिना आप दिक्कतों की वजह से आप आगे बढ़ पाए। कोई भी ऐसा समाज में सिस्टम नहीं है दोस्तों, चाहे आप नॉर्मल लाइफ की बात ले लीजिए और चाहे आप एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस की बात ले लीजिए, आपको हमेशा इस बिजनेस के प्रति डेडिकेशन होना पड़ेगा। जब तक अपने आप खुद अपने आप को और अपने आप को जब तक खुद इस बिजनेस को समर्पित नहीं कर सकते, अपने अपलाइन को समर्पित नहीं जब तक कर सकते, 100% समर्पित नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये आपके लिए बिजनेस जो है वो उतार चढ़ाव जैसा रहेगा दोस्तों, ये सच्चाई है। जब तक हम ये सारे नियम जो है ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो यकीनन हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जिन जिन लोगों ने किया है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ये मतलब कि जो संसाधन जो प्रोवाइड करवाए हमें अपलाइन ने, तो जिन जिन लोगों ने इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है, तो आज आप उनकी सक्सेस रोज सुबह 6:30 बजे और रात को 7:30 या 8 बजे वाली मीटिंग में डेली देखते हो दोस्तों। वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा के लिए अपने आप को अपलाइन में समर्पित कर दिया, हमेशा के लिए अपने आप को अपलाइन के जो सिस्टम जो उन्होंने प्रोवाइड किया उसको अपने आप को 100% तक समर्पित कर दिया। आज वो बुलंदियों के झंडे लहरा रहे हैं, आप सबके सामने ये एक एग्जाम्पल है, आप डेली देखते हो मीटिंग में, हमारे साथ हम भी देखते हैं। तो दोस्तों बता रहा था कि प्रोडक्ट की दिक्कत जब आती है हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे किसी को हम प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद सारा कुछ हम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब टाइम आ जाता है मतलब रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन तो आप सभी को पता है कि फ्री में होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद एक छोटा सा पैक लेकर के हमें ये बिजनेस शुरू करना होता है। तो छोटा सा पैक आपको पता है 2 से भी शुरू होता है, 6 से भी शुरू होता है दोस्तों, 10 से भी शुरू होता है। आदमी जिस हैसियत में उसको अडॉप्ट करता है अपने हिसाब से कि मेरी पॉकेट का कितना मुझे अलाउ कर रही है तो मैं उसके हिसाब से पैकेज लूंगा, तो दोस्तों वो तो एंट्री करके कूद जाएगा। वो अगर सिस्टम को अडॉप्ट करेगा तो वो हमेशा कंफर्म है मुझे कि वो बिल्कुल कामयाब होगा। लेकिन कुछ लोगों हमें मतलब हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों की दिक्कतें झेलने को पड़ी मतलब झेलनी पड़ी कि जिन लोगों को मैं प्लान भी अच्छे से दिखा देता था, सारा मोटिवेट भी अच्छे से कर लेता था, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती कि सर कितने से शुरू करें, वहां पे एक दिक्कत आती थी यार, अगर 6 ले लिए पता नहीं ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, हमारा 8,050 रुपये वेस्ट ना चले जाए, ऐसी बातें कहीं कहीं से आगे से निकलती हैं दोस्तों। मुझे पता है आप सभी की लाइफ में ये चीजें जरूर आ रही, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि किसको ये दिक्कतें आती हैं, हमें भी आई लेकिन आज हमें क्यों नहीं आ रही हैं ये दिक्कतें, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बिकॉज मैं कुछ मतलब इतना बड़ा ट्रेनर नहीं हूं कि मैं आपको सिखा पाऊं, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे है मतलब सीखने की हैसियत से बैठता हूँ। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ कि मैं खुद सीखने की हैसियत से बैठता हूँ, लेकिन मैं ये टॉपिक पे बात कर रहा था कि यार हमें जो दिक्कतें आती हैं उनमें से ये एक दिक्कत ये भी है सर, वो क्यों ऐसा आता है हमारी लाइफ में, ऐसा क्यों बार बार हमें ये चैलेंज आता है कि यार हम किसी चीज से शुरू नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते। सो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसका एक ही रीजन है दोस्तों, या तो आपने खुद उसको इस्तेमाल नहीं किया होगा, ये पक्की बात है नोट कर लो सर, या तो आपने बिजनेस को शुरू करके अपने प्रोडक्ट को सेल्फ पे यूज नहीं किया है, अपनी फैमिली में यूज नहीं करवाया है और आप बाहर निकल पड़े लोगों को यूज। तो दोस्तों उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप किसी चीज को चखे बिना किसी को बता पाएंगे कि दोस्त ये लो और इसको खाइए बहुत मीठा है, कैसे कह सकते हो दोस्तों, जब तक आपने उसको चखा ही नहीं है आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि यार ये बहुत मीठा है। जब अगले को दे ही दिया वो खाएगा उसको कड़वा लगेगा, तो क्या आपको वो आपसे सहमत होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा कि यार आपने तो उसको यूज ही नहीं करा, आपने तो उसका टेस्ट ही नहीं करा, आपको तो इस चीज का पता ही नहीं है कि वो 100% जो है वो रिजल्ट जो है दे रहा है या देता है,
कब पता चलेगा? जब हम उस चीज को खुद यूज करेंगे खुद पे, क्योंकि हमने बताया हुआ कंपनी ने शुरू से कि देखिए प्लान में ये बता रखा है उन्होंने कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये मतलब बीमार लोगों के भी लिए भी है और मतलब जो तंदुरुस्त लोग हैं, जो अपने आप को तंदुरुस्त मेरे जैसे लोग जो तंदुरुस्त माना करते थे, ये उनके लिए भी जरूरी है। मैं भी अपने आप को बहुत तंदुरुस्त माना करता था, लेकिन मैंने जब शुरू किया तो मुझे इसने स्टेप बाय स्टेप 3 महीने में 3 बीमारियां जब दूर करी और मुझे बता के दूर करी, मुझे पता चल गया कि यार मुझे ये दिक्कत थी अब मुझे नहीं होती है। तो दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि कभी भी जब किसी को आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो सर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस मतलब अगले को हिला दे, यार वाकई इतने दमखम से अगर बंदा बोल रहा है तो वाकई में इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त कुछ ना कुछ है, हमें यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तभी होगा सर जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सर तो आप विश्वास खुद भी नहीं कर पाएंगे, तो किसी को क्या विश्वास दिला पाएंगे। तो ये था सर हमारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जो मैं जानकारी देना चाहता था कि कैसे हम किसी के समक्ष यह प्रोडक्ट पेश कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात प्रोडक्ट पे ही और करना चाहूंगा आप सभी दोस्तों के साथ, वो क्या बात है दोस्तों, होता यह है कि हम एक तो आ गया कि हम यूज नहीं करते थे उसकी वजह से दिक्कत आती थी, अगर हम यूज भी करते हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं तो फिर भी हमें ये दिक्कत कभी कभार आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं हो सकता, 600 बीमारी पे यार एक प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, मानता ही नहीं हूं मैं। तो दोस्तों हम भी उसी कैटेगरी के आदमी हैं, हम भी कौन से मानते थे, आज हम इसका लोहा मान रहे हैं, तो कभी वो समय था जब हम भी तो नहीं मानते थे यार इसमें 600 बीमारी तक का इलाज करने में ये सक्षम हो गई, नहीं मानते थे दोस्तों। आज कैसे मानना शुरू कर गए, दो मतलब उससे रीजन है, दो रीजन है हम कि कैसे मानना शुरू कर गए। जैसे हमने उसको यूज किया तो हमें रिजल्ट्स मिले, जबरदस्त रिजल्ट्स मिले, और उसके साथ साथ जब रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो हमें लोगों को बताने की कोशिश कर, हम चुप रह ही नहीं सकते सर, हम उन लोगों को मशहूर कर देते हैं जहां से हमें मिलता ही कुछ नहीं है, हम उनकी भी मशहूरी करने में पीछे नहीं रहते। तो आज जो हमें प्रोडक्ट मिला होता है जिससे हमें सेहत की पूरी मतलब देख रेख जिसने करी और जिसने 100% बीमारी दूर करी, तो सर उसको हम बताने में कहां पीछे रहने वाले हैं। तो कितना बड़ा मिरेकल है दोस्तों इस कंपनी का कि पहले हम किसी की भी ऐड करते तो हमें क्या मिलता था, मुझे बताइए, सिर्फ वही आदमी मशहूर होता था जिसके हम ऐड किया करते थे। आज वो समय है दोस्तों, रेनाटस वेलनेस ने सिद्ध करके दे दिया कि यार आप जब स्वस्थ हो जाते हैं तो किसी को बताए बिना नहीं रह सकते, और जब हम बताते हैं तो कंपनी हमें पैसा देना शुरू कर देती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है आज कलयुग के जमाने में यार। लोग, मैं एक जगह दुकान कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई दूसरी दुकान पड़ जाती है तो मेरी तो जलन ही नहीं जाती छीने की, यार ये क्यों आ गया इधर, मैं अकेला काम करना चाहता था। मतलब एक दूसरे की हम जलसी करते थे पहले वाले बिजनेस में, और अभी भी होती है जहाँ पे हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, हमने लाखों करोड़ों लाखों रुपए लगाए होते हैं, तो वहां पे हमें जलसी नेचुरली आ जाती है कि यार हमने पैसा लगा रखा है तो ये बंदा आ गया तो हमें, मेरा तो कंपटीशन बढ़ गया, मैं कैसे अभी आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं मतलब काम कर पाऊँ। तो ये ही एक ऐसा साधन है दोस्तों, ये हमें सिखाता है खुद तो करिए, वो ये लोगों को भी ठीक करिए और उसके साथ साथ लोगों के घरों में पैसा पहुंचा दीजिए। तो सर जब आपके पास दो रीजन मिल जाएं कि आप ठीक भी होंगे, खुद भी होंगे, लोगों को ठीक करने में भी सक्षम होंगे, उसके साथ लोगों के घरों में जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो फिर इससे बड़ा और क्या हो सकता है, मैं ये आपको प्रोडक्ट के विषय में बताना चाहता हूँ, तो ये मैं बता दिया। तो दोस्तों मैं कैसे इस दोस्त को मतलब जैसे प्लान दिखाता है तो उसको कैसे बताता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो जब से मेरे सोच पहले हफ्ते में हो जाते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों करने का थोड़ा सा, हमें ट्रैक ये जो प्लेटफॉर्म सर ने करवाया सर इसी से सीख के हमने करा है, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके इसको फॉलो करो, इसके साथ जुड़ जाओ, इसे समझने की कोशिश करो, जो हमारा ग्रुप में जो जानकारियां पड़ी हैं इसको समझने की कोशिश करो, नहीं पता फोन करो पूछिए सर हमें पता नहीं चल रहा, वो बता देंगे सर आज
मेल करता हूँ, ठीक है, या किसी की आईडी लगाता हूँ, उसका सर ये की कारण है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मैटर करता है। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि आप कितने सक्षम हो किसी को बिजनेस में एंटर करवाने के लिए। वो ये है सर, आज मेरा, मैं अपनी खुद की बात करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त इसको अच्छे से सुन रहे होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं वो उन लोगों से तो जरूर कहना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने खुद पे प्रोडक्ट यूज किया है और उसके बाद लोगों को बताना शुरू कर दिया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मैं कैसे काम करता हूँ बता देता हूँ आपको। मैं ऐसे करता हूँ सर, जिसको प्लान दिखाता हूँ, प्लान दिखाने के बाद उसको बोलता हूँ सर ये लीजिए, आपको कौन सी प्रॉब्लम है, वो बताता है मुझे ये दिक्कत है, उस दिक्कत पे मैं 6 महीने का ट्रीटमेंट देता हूँ कि आपको मेरे हिसाब से 6 महीने तक आपको रिनाटस वेलनेस का रिनाटस नोवा खाना पड़ेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से जब जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, मैं उस तरीके से आपको इस्तेमाल कराऊंगा, आप इस्तेमाल करिए। और अगर आप 6 महीने के बाद आपके शरीर में अगर बीमारी रही तो मैं आपको सर आपके पूरे 8,050 रुपये लौटा दूंगा, जे मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर चाहते हो किसी डायरी पेन पे लिखवाना, मेरे साइन करवा लीजिए, मैं करके दूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज का कि इससे रिजल्ट्स मिलते हैं, हर बीमारी पे मिलते हैं। तो दोस्तों जब ये चीज इंसान को पता चलती है, यार मैं 8,000 खर्च रहा हूँ और 6 महीने का कोर्स है, कोई 1 महीने तक, 1 महीने का तो है नहीं, तो 6 महीने का कोर्स आधा साल होता है सर। आधे साल के लिए इंसान 8,000 रुपये अगर हमारे सिस्टम में खर्च करके अपनी सेहत सुधार सकता है, तो अगर कोई इंसान नहीं सुधारना चाहता तो मे भी उसको 8,000 8,000 के बदले 6 महीने में हो सकता है 16 से 20 या 25 या 50 हो, मतलब वेस्ट करना पड़े पैसे, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती दोस्तों, किसी को भी पूछ के नहीं आती, जब आती है तब पता चलता है कि मुझे ये दिक्कत हो गई और तब इमिडिएटली हॉस्पिटल या डॉक्टर को संपर्क करना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, तभी मैं 100 cc पहले वीक के पहले दिन या दूसरे दिन कर देता हूँ सर, और मैं विद प्रूफ भी देता हूँ सर, प्रूफ कहता हूँ कि किसी दोस्त को कोई शंका हो मुझ पे कि यार ये झूठे तो नहीं डाल रहा सीसी, सर मैं अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उस दोस्त को, लेकिन मुझे पर्सनल कॉल करके ले करके पूछ ले, मैं अपने पर्सनल आईडी का स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि देखिए भाई मेरे पर्सनल है कि नहीं है, कैसे आ रहे हैं दोस्तों। बस एक ही कारण है सर कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आगे अगले के साथ पेश आता हूँ कि दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ, लेकिन उसमें होता क्या है, वो कैसे शुरू करेगा वो भी बता देता हूँ। जिस इंसान को मैं इतना कहने वाला हूँ कि मैं लिख के देता हूँ, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा 6 महीने के बाद, अगर आपने आप सही नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, तो कैसे करता हूँ वो इस ऐसे करता हूँ कि जैसे जिस किसी को शुगर की डिजीज है, मतलब डायबिटीज है, तो उस पे हमने रिजल्ट्स लेना है, तो उसको उस बंदे को हमने कह दिया कि मैं आपके पैसे वापस करूंगा 6 महीने के बाद, आप मुझे 6 बोतल खाली करेंगे, खाली जो बोतल आपकी होंगी वो मुझे सबसे पहले वो मुझे वापस करेंगे, नंबर एक। नंबर दो उसमें क्या है कि मुझे जब आपने शुरू करना है वो प्रोडक्ट, तो मुझे अपनी एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट दोगे कि मेरी शुगर इतनी है, आज मैंने इस प्रोडक्ट को शुरू किया, मुझे हर महीने आपकी रिपोर्ट चाहिए और 6 महीनों में मुझे 6 या 7 या 8 रिपोर्ट चाहिए आपकी, वो आपको देनी पड़ेगी। जी अगर मैं, मेरे से आपने पैसा वापस लेना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये 2-3 बातें करनी पड़ेगी। नंबर एक तो आपने खाली डिबिया वापस करनी है मुझे 6, उसके अलावा कम से कम महीने का एक चेक, मतलब की अपनी रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करवा करके मुझे दिखानी पड़ेगी हर महीने, और 6 महीने के बाद सर आपकी रिपोर्ट बोलती है कि आप ठीक हो गए हो, सर आपसे कौन पैसे वापस मांगेगा जब आप स्वस्थ हो गए। कोई झूठ बोल सकता है क्या कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, कैसे झूठ बोलेगा, आज मशीनी युग है, मशीनों में हर चीज का पता चल जाता है किसी को कौन सी कितनी बीमारी रह गई है या कितनी बराबर होगी या कितनी खत्म होगी। ये दोस्तों ये तरीका है हमारा काम करने का, और यही तरीका मैं तो देखिए, मैं किसी को थोपना नहीं चाहता कि आप भी ऐसा करिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने करके देख लिया और मुझे इस चीज के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे आईडीज मिल रही हैं और मुझे प्रोडक्ट के जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वही लोग जो ठीक होते हैं वो आए 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 50 लोगों को बता देते हैं कि यार इतना जबरदस्त चीज हमारे पास आया कि इसकी गारंटी दे दी बंदे ने और हम ठीक भी हो गए, तो आप भी क्यों नहीं यूज करते सर। बिजनेस का सोचिए, सोचिए, विजुलाइज करिए कहाँ से कहाँ तक अपना बिजनेस जा सकता है दोस्तों।
ये थोड़ी सी जानकारी मैं देने के लिए आपके सामने पेश हुआ था दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब का, क्योंकि आपने मुझे झेला है। तो आज मुझे लग रहा है अभी मेरे गुरुजी पहुंच चुके हैं, हम सबके मेंटर जो है वो आ चुके हैं अपने घर पे पहुंच के। मैंने 2-4 मतलब 10 मिनट से देख रहा हूँ कि समय से सर मतलब नहीं पहुंच पाए, लेकिन आ चुके हैं वो अपने घर पे, हम उनको देख रहे हैं। तो दोस्त अब मैं अगला जो सेशन है अभी इससे आगे का, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी की ब्लेसिंग के साथ। तो वेलकम फ्यूचर मिलेनियल ग्रुप के मतलब की जूम स्टेज पे सर अरजिंदर सर, वेलकम, आ जाइए सर, अपना मतलब अपने मत रखिए सर हमारे सामने, हमें कुछ विजुलाइज करवाइए, हमें कोई और इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम और स्पीड से काम करें दोस्तों। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक वेलकम। यू डॉक्टर साहब, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हमारी जी आवाज़ जी सुन सर, पा रहे बहुत हैं? थैंक यू वेरी मच। आज आपने सेशन को संभाला, कारणवश मैं थोड़ा बाहर था, टूर पे था, तो अभी अभी पहुंचे थोड़ी देर हुए। तो चलिए बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने ये सेशन को कंट्रोल किया और बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि आप किस तरह से आगे बढ़ने में अपने आप को सक्षम कर रहे हैं। सीखते हुए आगे बढ़ना, यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है। और सभी से अनुरोध है कि हमें इन बातों को नोट करना है, फॉलो करना है और अपने जीवन में उतारना है। एक-एक स्पीकर से सीखी हुई कोई भी बात आपको आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं काम आएगी। और आगे बढ़ने के लिए मैं आज को कुछ टिप्स देने वाला हूँ। 5 टिप्स, 5 टिप्स नोट कर लीजिए अपनी डायरी पे, पेन और डायरी लेके। मैं जरूर, मुझे भरोसा है कि बहुत सारे दोस्त पेन और डायरी लेके बैठे होंगे, तो जरूर लिखेंगे। सबसे पहला, अगर कामयाब होना है, अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, खुद पे भरोसा होना जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो भरोसा आपको कब होगा? डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया है कि जब तक आप इस प्रोडक्ट के बारे में इस जानेंगे नहीं, इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको अपनाएंगे नहीं, 100% इसको यूज नहीं करेंगे, अपनी फैमिली में यूज नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आ नहीं सकता। और सेल्फ बिलीव एक ऐसी कड़ी है जो हमारा पहला ही स्टेप है। जब तक हमारे पास सेल्फ बिलीव की कमी रहेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा है कंपनी के ऊपर बिलीफ, कंपनी बिलीफ। कंपनी कैसी है? क्या कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्या कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है? हमारे पैसे लेके चीट तो नहीं कर जाएगी? ये सारी चीजों का आपने यानी कि अपने दिमाग से निकाल देनी है। और इसके ऊपर जब तक आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, प्रोडक्ट के ऊपर आपने खा के कर लिया, बट अब कंपनी के ऊपर भरोसा होगा तभी आप काम कर पाएंगे। और कंपनी 3 सालों से सक्सेसफुली रन कर रही है, 3 साल होने में अभी भी 2 महीने बाकी हैं, और 100 से ज्यादा करोड़पति इसने क्रिएट कर दिए। लखपतियों की तो तादाद गिनती में भी नहीं आ रही है कि कितने हैं, बहुत सारे लखपति हैं। तो सेल्फ बिलीफ और दूसरा कंपनी पे बिलीफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंपनी के लिए हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है। कारण बताऊं? अब बात वही आ गई कि डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा अगर सबसे कि ये देश किसका है, मैंने सुना है कि देश किसका है, डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे? सर हम सभी का हम सबका है। तो बात वही आ गई कि ये बीवी किसकी है? वो बीवी तो मेरी, वो तो मेरी है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि बीवी मेरी है और देश हमारा है। तो जब तक ये फर्क महसूस करिए कि मेरी में और हमारे में कितना बड़ा अंतर, समझेंगे इस काम को, जब तक हम इसको पूरी तरह से अपनाएंगे नहीं, जब तक हमारे दिल में वी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक हम इस बिजनेस को बढ़िया से नहीं कर पाते। अपना समझ के अगर हम जब तक इसको नहीं करेंगे, अगर हम सोचेंगे नहीं जी अगर मैं काम करूंगा तो मुझे क्या फायदा, ये तो मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ, हम कंपनी का काम नहीं कर रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं, मेरा काम कर रहा है, ये बिजनेस मेरा है, अपना समझ के इसको काम जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ सकते नहीं हो, तब तक हम लोग आगे बढ़ना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी बात है प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ, सेल्फ बिलीफ हो गया, खुद पे भरोसा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, कंपनी पे भरोसा। तीसरी बात प्रोडक्ट के पे भरोसा कि प्रोडक्ट हमारा इतना बढ़िया है कि ये किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं करता,
ये भरोसा होना चाहिए, और ये 100% रिजल्ट देता है ये भी भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा तभी आपका कायम हो सकता है जब हम इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करें और दूसरों को भी करवाएं। चौथी एक और बात, चौथी बात ये है कि जो सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं उस सिस्टम पे हमें बिलीफ होना चाहिए। हम अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपनी मर्जी से बिना बताए खुद ही प्रैक्टिकल करते रहेंगे, बिना अपनी हेल्पलाइन के पूछे हुए, बिना अपनी हेल्पलाइन के कहे हुए, अगर अपने से ही हम लोग प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खा के गिरेंगे और बहुत बड़ा नुकसान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से आपका हेल्पलाइन गुजर चुका है और उसे पक्का पता है कि किस तरह से आपको सक्सेस मिलनी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस रास्ते से गुजरो जहां पे कांटे बिछे हैं या जहां पे कोई पत्थर है जहां से ठोकर लग के आपको आप गिर सकते हो या जहां पे आपको मुश्किलें आ सकती हैं। आपका हेल्पलाइन या अपलाइन जिसको कहते हैं वो कभी ये नहीं चाहेगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आपको कोई नुकसान हो। ठीक, सिस्टम पे बिलीफ होगा, सिस्टम के साथ चलेंगे। वही बात आ गई जैसे अभी एक दिन पहले ही बताया था किसी ने कि अगर हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा, अब किसी ना किसी सिस्टम के साथ जुड़ेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले पहले अगर हम ये कहीं प्लेंथ वगैरह का काम होता था ना घरों में, तो लेंटर का भी पहले पहले काम होता था तो हाथों से मिक्स किया करते थे, वो हाथों से किया करते, बहुत सारी लेबर होती थी एक साथ, उसको पानी में बजरी रेता और सीमेंट मिक्स किया तो उसको बनाते थे और लेंटर डाला करते थे या प्लेंथ भरा करते थे। लेकिन अब सिस्टम आ गया, अब हमें उस सिस्टम के साथ करवाना पड़ता है। वो क्या है? वो एक मशीन है जिसमें हम सारा मटेरियल इक्विवेलेंट डालते हैं, जो जो चीज उसमें रिक्वायर्ड सामग्री है वो उसमें डाली जाती है और अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा लेंटर हम लोग डाला करते हैं। तो देखिए, सिस्टम के साथ हम लोग चलेंगे, हमें एक एक कदम करके पहले स्टेप से सीखना शुरू करना है और आगे बढ़ जाना है। अक्सर लोगों मीटिंग में जुड़ना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि रोज की वही बातें हैं, मुझे पता है, मुझे सिस्टम आता है। भाई आता है, बट आप सिस्टम से चलने की कोशिश तो करो। अगर अब आपकी ये सिस्टम कहता है कि हमें प्रॉपर, हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना बढ़िया अनमैच्ड आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका कोई मार्केट में मैच ही नहीं है, मार्केट में कोई सिस्टम का मैच ही नहीं है, अनमैच यूनिक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप बिना ढंग के कपड़े पहने अगर किसी के सामने जाओगे तो आपकी क्या छवि रह जाएगी। अगर आप कहते हो कि इस सिस्टम से लोग करोड़पति बने हैं, तो भाई करोड़पति वाली फीलिंग आप क्या एक घंटा नहीं ले सकते? क्यों क्यों हम लोग इतने शर्मिंदा होते हैं एक अच्छी ड्रेस पहनने में? जब कहीं शादी में जाते हैं तो अगर हम लोग जाते हैं तो कितने अच्छे से तैयार होते हैं। तो भाई ये भी एक स्वयंवर की तरह मानिए इसको, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमें सामने आने से हिचक क्यों है? ठीक है, सिस्टम पे बिलीव करिए, सिस्टम के साथ चलिए। सिस्टम अगर कहता है कि पेन और डायरी लेके बैठना है तो आपको बैठना चाहिए, सिस्टम कहता है कि डेली जूम पे आना है तो आपको आना चाहिए, सिस्टम कहता है कि आपको नोट करना चाहिए तो नोट करना चाहिए, सिस्टम कहता है कि पहले इसको यूज करना है फिर ही लोगों को बताना है तो आपको वो चीजों को फॉलो करना है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं अगर आप उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हो तो। और लास्ट बिलीफ, आपका आपकी अपलाइन पे, आपका अपनी हेल्पलाइन पे बिलीफ होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी हेल्पलाइन पे बिलीफ नहीं करोगे कि नहीं ये इसका कोई अपना मतलब है, ये हमें डेली बोलते रहते हैं कि मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, शायद इनको कोई बहुत बड़ा इनकम आ रहा है या हम करेंगे मेहनत तो इनकम उनको जाएगी, अगर ये मेंटेलिटी लेके कोई काम कर रहा है ना तो वो आज ही ये बिजनेस को छोड़ के चला जा सकता है, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ऐसी मेंटेलिटी को लोगों के लिए वही धंधा दिहाड़ी मजदूरी या जॉब प्राइवेट सेक्टर वो बहुत उनको लिए इन्विटेशन कर रहा है। हम यहाँ पे लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस को अगर हम सीरियसली लेते हैं तो वाकई में यहाँ जिंदगियां बदलने वाली है, क्योंकि हमने बदलती हुई देखी है, हम बदलते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी जूम मीटिंग में सब लोग आते हैं, आप देखते हो हजार से भी ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे और देखिए उनका टाइमिंग है,
यहाँ पे भी टाइमिंग अभी पंचुअलिटी बन रही है, मैं देख रहा हूँ जो लोग आना चाहते हैं वो सही टाइम पे आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब सभी समय से आते हैं, समय से जाते हैं। और अपलाइन की बात को सुन के अनसुना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हेल्पलाइन आपका दुश्मन कभी नहीं हो सकता। पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई दूसरा लर्न पर्सन, उस रास्ते से गुजरा हुआ पर्सन आपको ये हाथ पकड़ के आगे लेके चलना चाहता है, आपको सही रास्ते पे लेके जाना चाहता है, एक दीपक अपने हाथ पे जला के आपको रोशनी दिखाता है भाई इस तरह से चलो। अगर हम उस शख्स पे बिलीव नहीं करेंगे जो आपको इस सिस्टम में लाया है, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो आपका कैसे होगा सक्सेस, कैसे बिल्डअप होगी? आपको अपना मेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्ट अपलाइन सुस्त है, नहीं काम कर पा रहा है, तो आप उनसे ऊपर में बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, है ना। देखिए हर एक बंदा सीख के, मतलब पेट से सीख के कोई नहीं आता, यहाँ पे आके ही लोग हीरो बने हैं। और ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हीरो को तराशा जाता है, हीरो को बनाया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम दिल से करने वाला है, दिमाग से नहीं। बहुत सारे लर्न दिमागों ने इस सिस्टम को बनाया है और इस सिस्टम को फॉलो किया है, और इसी सिस्टम को, यही प्लेटफॉर्म को, इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों ने कामयाबी हासिल करी है। क्या कारण है कि जो लोग एक ही क्लास में, यानी कि एक जैसे ही जूम मीटिंग सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सर, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, एक जैसा ही हमें एजुकेटर मिल रहा है, एक ही हमें प्लान करने वाला मिल रहा है, किसी भी मीटिंग में चले जाइए, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो सभी बच्चे एक ही जैसे ही होते हैं, एक ही जैसा उनको डेस्क है, एक ही उनको पंखा है, एक जैसे उनको किताबें हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ लोग वहां पे टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग वहां पे फेल हो जाते हैं। वो वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने मेंटर की बात सुनते हैं, यानी कि टीचर की बात सुनते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं, आगे चल के अफसर की पोस्ट को अटेंड करते हैं या मिल पाते हैं, उनको बहुत बड़ी अचीवमेंट कर जाते हैं, जो लोग सीरियस होते हैं अपने इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में। जिंदगी में सफल होना है तो अपने मेंटर की बात सुननी ही चाहिए। और अभी हमारा ये आखिरी मिनट है, तो इस मिनट में मैं यही कहना चाहूंगा, ये 5 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा करना, कंपनी पे भरोसा करना, फिर प्रोडक्ट पे भरोसा करना, और सिस्टम पे भरोसा करना, और सबसे बड़ी बात अपने हेल्पलाइन पे भरोसा करना। जब तक हम ये नहीं कर पाते तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल तक के लिए इजाजत चाहेंगे सभी दोस्तों से। जय हिंद, रॉकिंग रेनाटस।